मैंने जो दाहन पोस्टर था, 3 महीने की ड्यूटी चली गया था एयरपोर्ट पे। यहाँ हमारे जवान जो एयरपोर्ट से जाते थे चंडीगढ़ से लद्दाख, तो वो डेट मेरे पास थी, उनके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह हमारे डेट से तैयार होते थे। और जो वो हमारा ही ऑफिस काम करता था, मेरा ही वाला ऑफिस था, जो लद्दाख से आते थे उनको भी हम यहाँ से छुट्टी प्राप्त करते थे। लद्दाख से जहाज से आ जाते थे एयरपोर्ट से, उनके डॉक्यूमेंट में मोड़ हमारे ऑफिस के लगते थे कि भाई आज से तुम छुट्टी दे। तो एक हमारे शीर्ष सरदार भी थे, वो आए लद्दाख से छुट्टी, मेरे को बताया, मैं ऑफिस में बैठा था, पीएम ने मुझे बताया कि भाई वो आपसे मिलना चाहते हैं हमारे। मिलना क्या था, वो रोक रहा, अरे थोड़ा रोका था, रोका था, रोका था। मैं उसको पूछता रहा, तो मैं उसका नाम भी बोल दिया, अंबाला का है वो। आखिर में बड़ी मुश्किल से वो बैठा कुर्सी में, बैठ क्या परेशानी है? तो वो कहता है कि मेरी सांस का ध्यान तोड़ दिया, मेरी सांस का बेहद ध्यान हो गया। आप यकीन करो, हम तो वैरागी हैं शुरू से, वैराग का जीवन काटा। ये वैराग ईश्वर की देन होती है, जो साधना करता है उसको भगवान बख्शता। वैराग के बिना मोक्ष नहीं मिलता ना, समाधि नहीं लगती। तो जैसे उसने कहा कि मेरे सांस की डेथ हुई है, शर्म नहीं आती तुझे? मौत तो आना जाना खेल है, व्यवस्था है ईश्वर की। इन सास का तो तुम अगर जाता 1000 साल की है, बड़ा ही ना था वो, बस कांप गया डर के मारे, तो विशेष था हमारा, तो आंसू आंसू पूछते बैठ गया। मैंने तो क्या घर तस्वीर दे दूंगा, तो जो काम करने उसके दाह संस्कार आदि के वो कर जा सकते, रोता मेरे सामने है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि इंसान वेदों का त्याग करके मौत के स्वरूप को भी भूल गया कि मौत मौत नहीं होती है, ये जीवात्मा शरीर बदलती है, ये अगर अमर अविनाशी है। इसलिए भगवान ने वेदों में बताया, अविद्या ज्ञान ऋतु तीर्थवा या संभूति ऋतु तीर्थवा। अरे भाई, अविद्या का ग्रह जान जाओगे कि शरीर जड़ जीवात्मा चेतन है, तो चेतन जीवात्मा जब शरीर से निकलती है, ये रहस्य जान जाओगे तो मृत्यु का दुख तुम्हें नहीं होगा, क्योंकि तुम मर ही नहीं रहे, तो मृत्यु का जो दुख है, जो मरे वो रोए ना, मता कभी है शरीर चेंज होता है ना। तो ये